तो क्या हाल चाल है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई देखो, इस वाले गेम में हम लोगों ने निकाला है 41 का प्लस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना रैंक एंड टीयर कमेंट करके बता देना। भाई देखो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रिपल कॉन्करर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अपने चैनल पे चल रहा है 2 रॉयल पास का गिव है, जो कि होने वाला है 10K सब्सक्राइबर पे। तो भाई वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और अपने बंदों को भी बताओ कि भाई चैनल पे रॉयल पास का गिव है चल रहा है, तो आपको कैसे जीतना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप भाई चैनल को शेयर करो ताकि आप रॉयल पास जीत सको। तो भाई देखो, आई एम सॉरी बाबू, ये वाला जो गेम प्ले होने वाला ना भाई, इस वाले गेम प्ले में भाई तगड़ा चिकंडर निकलने वाला है, वो भी काफ़ी हाई प्लस के साथ। लास्ट में भाई यहाँ पे अकेला में बच जाता हूँ। तो भाई देखो, सामने यासनाए में कुछ बंदे होते हैं। देखो भाई, इस वाले बंदे को मैं यहाँ पे टैप फायर करके बुलाता हूँ, ये छत पे आता है, और भाई इस बंदे के साथ कितना बुरा करने वाला हूँ। इस बंदे को यहाँ पे सीधा नॉक एंड फिनिश मार देते हैं भाई। उसके बाद भाई देखो, यासनाए में जो बंदे होते हैं गाड़ी वाड़ी लेके भाग जाते हैं, एक बंदे को फिनिश कर देते हैं। तो भाई देखो, सामने चली होती है फ्लेयर, और भाई देखो यहाँ पे जो गलत सीन करने वाला हूँ ना इन बंदों के साथ, इनको भी भाई समझ में नहीं आएगा मैं मार कहाँ से रहा हूँ। तो भाई देखो, हील करके भाई सीधा इस वाली जगह पर आ जाते हैं, और देखो मेरे टीममेट ने एक बंदा इनको ऑलरेडी फिनिश कर दिया होता है। तो भाई मैं आगे जाता हूँ थोड़ा सा स्पॉट करने के लिए, मेरा टीममेट मार करता है, उधर बंदे हैं। अब देखो भाई, इनको क्या ही मारूंगा। सामने पत्थर पे एक बंदा स्पॉट होता है, भाई मेरे टीममेट को यहाँ पे लगता है, जो कि 3 नंबर होता है भाई, उसको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे गलत कॉल देता हूँ, और भाई वो नॉक हो जाता है। तो भाई ये लोग आपस में लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे लूट उट कर लेते हैं इनकी काफ़ी, क्योंकि भाई मैं सोचता हूँ यहाँ पे AMR उठा लेता हूँ। तो भाई AMR उठाने के बाद हम लोग आ जाते हैं स्क्वाड हाउस की, और यहाँ पे फाइट हो रही होती है। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं AMR ना चला रहा होता तो मेरा टीममेट यहाँ पे शायद मैं बचा लेता अपने टीममेट को, मेरी गलती। देखो भाई, यहाँ पे मैं AMR चला के भाई अपने टीममेट को मरवा देता हूँ, मतलब लोग बचाते हैं मैं मरवा देता हूँ। भाई देखो, अभी मज़ा आएगा, सीधा मेरे 1-2 नंबर टीममेट को नॉक एंड फिनिश मार देता हूँ बंदा। अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे AMR ना चला रहा था तो ये बंदे को मैं मार सकता था M4 की स्प्रे से। हालांकि यहाँ पे जो मेरे टीममेट्स होते हैं इन बंदों को मार देंगे। अब देखो, एक बंदा बचा हुआ होता है स्क्वाड हाउस पे, जो कि मैं यहाँ पे एक AMR शॉट से भी इसको फिनिश कर दूंगा। और भाई देखो, ये वाला बंदा फिनिश हो जाता है, नेट कर रहा होता है मेरे टीममेट्स पे। तो भाई यहाँ पे काफ़ी कम बंदे बचे होते हैं लॉबी में, तो भाई मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई यहाँ पे बंदे दौड़ के ही मारेंगे। और भाई दौड़ के मारने के चक्कर में सिटी में आ जाता, और भाई देखो यहाँ पे 2 स्क्वाड का फाइट हो रहा होता है, एक बंदे को यहाँ पे मारता हूँ तो डायरेक्ट ही किल हो जाता है। मेरे टीममेट बोलता है किल चुराने के, पर मैं चुरा नहीं पाता। अब देखो, मेरे टीममेट यहाँ पे रिस्क करते हैं, इनके साथ क्या गलत सीन होने वाला है। भाई एक बंदा दोनों बंदों को मार देता है, और भाई ये मेरा 3 नंबर टीममेट 4 नंबर रैंडम को भाई यहाँ पे गाली वाली देने लगता है। तो भाई आपस में इनका आवाज़ तो मैं म्यूट कर देता हूँ, क्यों भाई गाली वाली कुछ ज़्यादा ही दे रहे होते हैं आपस में लोग, तो भाई ये लोग का आवाज़ यहाँ पे मैं म्यूट कर दिया होता। अब देखो भाई, ये जो बंदे होते हैं मेरे टीममेट को जो मारते हैं भाई, सामने वाली रोड के शॉप पे होते हैं। और भाई देखो, इन बंदों को यहाँ पे कितनी भयानक कैंपिंग करके मारने वाला, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि भाई इन बंदों को मेरे को कैसे भी करके बदला लेना होता है। मेरे टीममेट बोलते हैं भाई कैम करके बदला ले, चाहे जैसे ले, पर ले भाई। भाई देखो, अब ये बंदे जो होते हैं मैं इनका वेट कर ही रहा होता कि भाई ये कुछ गलतियाँ करें और इन बंदों का भाई यहाँ पर मैं खेल ख़त्म कर दूँ, और ऐसा होता भी है। जब इन बंदों को जोन जाना होता है तो भाई ये बंदे यहाँ पे थोड़ी सी गलती करेंगे, और भाई देखो यहाँ पे ओपन में आएंगे अब ये लोग बंदे। और देखो, इन बंदों को जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि भाई इन बंदों के साथ हुआ गया। तो भाई अब यहाँ पे 3 बंदे बचे होते हैं, मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट कर रहा होता कि ये वाला बंदा भी आ जाए पर इसको मार दो, पर ये बंदा आता नहीं। तो भाई मेरे को यहाँ पे जोन जाना होता है, तो भाई सीधा मैं पीछे निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई जोन जाना जरूरी होता है, क्योंकि छोटा सर्कल होता है और भाई बग्गी मेरी पीछे होती है।
तहाँ पे फिर वेस्ट टाइम जो थी, तो भाई सोले बॉक्स में को यहाँ पे लेवल 2 का वेस्ट मिल जाता। और भाई देखो अब मैं यहाँ पे बचा हूँ, अकेला और बच्चे हैं, टोटल 3 बंदे। और भाई इन 3 बंदों को मार के चिकन डिनर लेने वाला हूँ। तो भाई देखो वीडियो का भी अगर आपने लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई देखो यहाँ पे ट्रिपल कॉन्कर तो अपना जल्दी हो ही जाएगा, और सबसे पहले ही करेंगे बीजेएमआई में। हिल करके भाई सीधा मैं आगे वाले घर पर रश मार दूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे रुकना सेफ नहीं होता है, जोन भी आ रहा होता है। तो मैं इस वाले घर पर रश मार देता हूँ। देखो यहाँ पे वो जो ब्लू वाला बंदा होता है, अब यहाँ पे जोन में आना होता है उसको, तो भाई मैं उसका वेट कर ही रहा होता हूँ। और उतने में ये बंदा जोन के बाहर से आता है। अब देखो इस वाले बंदे को यहाँ पे इजी मार देता। अब दो जो बंदे बचे होते हैं मेरे सामने होते हैं, और भाई देखो एक बंदा यहाँ पे पता नहीं कौन सा गांजा वांजा फूक के भाई खेल रहा होता है, तो उसको यहाँ पे सीधा ही नॉक एंड फिनिश मार देता। अब बचा होता है भाई यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन बची है। और भाई देखो इस वाले बंदे को यहाँ पे एक दो नेट करने का ट्राई करता हूँ, पर ये बंदा यहाँ पे फटता नहीं है। तीन चार नेड मार देता हूँ बट बंदा फटता नहीं है। तो भाई मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे सीधा रश कर दूंगा। और ये जो बंदा होता है भाई शक के पास होता है, तो मैं यहाँ पे ऊपर चला जाता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा IQ लगाने का ट्राई करता हूँ, पर यहाँ पे IQ यहाँ पे फेल हो जाता है, पर ये बंदा डैमेज ज़रूर होता है, तो मैं यहाँ पे सीधा ही रश कर दूंगा। अब देखो इधर से फुट से भरा तो सामने जाता है, सीधा वहाँ पे मारता हूँ, थोड़ा सा डैमेज हुआ है बंदा। अब देखो यहाँ पे इस बंदे को सीधा रश करके ही मार देते हैं। तो भाई इस वाले गेम प्ले में भाई अपने को यहाँ पे 41 का प्लस मिल जाता है। तो गाइस आप लोग अगर रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है ज़रूर बताना, अगर आपको रैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना।